तो कैसा रहा है एक्सपीरियंस बताइए अपना 6 महीने का। बेकार घटिया एकदम। सिरेमिक नहीं कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बेकार पैसे की बर्बादी है। 3500 रुपये में कोई मतलब नहीं, इसे अच्छा लेमिनेट कराओ। नहीं, हेलो गाइस, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं अपने बाइक को सर्विस कराएंगे, अगर सर्विस होगी तो। और 6 महीने पहले मैंने एक कोट कराया था, उस पर सिरेमिक कोट, जो बताया गया था कि 6 महीने बाद फिर से आपको कराना होगा, फ्री है, मतलब दोनों का चार्ज एक बार में ले लिए थे उन्होंने। और आप देख सकते हैं, तो ये फिर से कराना है, काफ़ी दूर है यहाँ से, 30-35 किलोमीटर, कौन सा है, रिंग रोड के पास है जगरानी हॉस्पिटल, तो वहीं होता है। उससे क्या होता है कि गाड़ी की थोड़ी सी चमक बनी रहती है। तो ये 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं, थोड़ा मैं लेट भी हूँ, पिछले महीने कराना था लेकिन लेट हो गया। तो अभिषेक वहाँ पे पहुँचा हुआ है और अभी हम निकलते हैं बाइक से, और उसको भी कराना है, हम लोग साथ ही में कराए थे दोनों लोग। और तो निकलते हैं और देखते हैं कि क्या बताते हैं, अगर सर्विस कराने के कंडीशन में होगी तो सर्विस भी करा लेंगे, क्योंकि जाना है तो अभी आने जाने के बाद लेट हो जाएगा, काफ़ी टाइम हो भी गया है। तो कुछ दिन पहले मैंने एक जैकेट मंगाया था मिंत्रा से, वो काफ़ी लूज़ है, उसका स्लीव जो बहुत लूज़ है, तो अभी इसको वापस करना है। तो भैया आने वाले थे, अभी तक आया नहीं, अब मुझे निकलना है, उनसे मैं बात कर लिया हूँ, यहीं पास में तेलीबाग के आसपास है, तो उनको रिटर्न करके फिर निकलते हैं। तो निकल लिए हैं फाइनली, और यहीं पर है सैनिक भोजनालय, वहीं पे उनका ऑफिस है, वो बताया कि अभी ऑफिस पे ही है, तो रिटर्न कर लें, क्योंकि कल हम लोग को निकलना है वैष्णो देवी, तो रिटर्न नहीं होगा तो उसका डेट निकल जाएगा। पर मैंने एक और ऑर्डर किया है, वो शायद कल आएगा, तो आई होप जल्दी आ जाए, क्योंकि 6 बजे हमारी ट्रेन है। ए भाई रुकोगे? तो अभी मैंने मैप नहीं लगाया, मैप तो लगा लूँगा, क्योंकि काफ़ी जगह काम हो रहा है यहाँ लखनऊ में, तो कोई शॉर्ट तरीका, एक है सिटी की तरफ से जाने का और एक है शहीद पथ जाने का। शहीद पथ थोड़ा आसान होगा, लेकिन अभी हम जा रहे हैं दूसरे रास्ते, तो देखते हैं जो पास दिखाएगा वहाँ पे उससे जाएंगे। और अभिषेक का तो वहीं पे ऑफिस ही है, तो पहले से पहुंचा हुआ है, तो काफ़ी दिन बाद मोटो ब्लॉगिंग हो रही है, आई होप सब कुछ परफेक्ट आ रहा होगा। तो अभी हम लोग हैं ये वृंदावन PGI के जस्ट बगल में। ओहो, इनको भी भूख लग गई है बहुत जोरों से, तो फ्यूल भी डलाना है। ब्लैक शीशा चढ़ा लिए हैं, ना इधर देखना ना उधर, आई थिंक मैं गलत आ गया क्या, क्योंकि अभी उधर रिटिया पे भी जाम लगेगा, आई ज़्यादा लंबा ना लगे, अंदर अंदर जाना था शायद। तो ये है राय बरेली रोड, एक बार रुक के फिर से वीडियो क्लिप चेक करने पड़ेगी, क्योंकि बहुत दिन बाद मैंने सब सारा सेटअप किया है, तो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं सही से ये भी देखना पड़ेगा, नहीं तो बिना वॉइस के बिना आवाज़ के तो कोई मतलब नहीं है। पास में भी है काफ़ी सर्विस सेंटर, लेकिन वहाँ पे सर्विस मैं वही कराता हूँ आलमबाग में, पास में पड़ता है 10 किलोमीटर के आसपास, लेकिन वहाँ पे जो मैंने कोटिंग कराई थी बाइक पे वो वहाँ पे नहीं हो रहा था। तो खोजते खोजते हम लोग पहुंच गए वहाँ पे, जगरानी हॉस्पिटल के जस्ट बगल में है। पहले मैंने सोचा था कि इसको लेमिनेट करा दें, तो ये हुआ कि अभी नहीं, पहले कोटिंग करा लेते हैं, एक कोट हो गया था, दूसरा बचा हुआ था, तो एक कोट और करा के ही। रिक्शा वालों का तो पूरा रोड होनी का है, तो एक कोट और हो जाएगा, उसे कुछ दिन बाद इसको लेमिनेट करा देंगे, क्योंकि काफ़ी स्क्रैचेज आ रहे हैं, पता नहीं कैसे, बाइक कहीं
गिरती भी नहीं है, कुछ होता भी नहीं, मैं इतना संभाल के रखता हूँ, फिर भी पता नहीं कैसे स्क्रैच पड़ता जा रहा है इस पर। खास करके टैंक पे तो बहुत ज़्यादा स्क्रैच आ गया है। ये है सरदार पटेल डेंटल हॉस्पिटल। अरे भाई ज़्यादा लंबा जाम नहीं मांगता है भाई, लगा तो है। खुल्या खुल्या यह उतरटिया का जाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बस यहीं पास में है सैनिक भोजनालय, सैनिक रेस्टोरेंट। आई होप वो निकले ना हो अभी, हमने ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाया है। ये है सैनिक कॉल करना पड़ेगा। हेलो, हाँ भैया कि कहाँ पे हैं आप? मैं आ गया हूँ सैनिक पे। सैनिक के अंदर चले हो सीधे, ये मंदिर पड़ेगा बस, मंदिर के पास खड़ा हूँ मैं। ठीक है, हाँ देखना मैं बाइक से आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक, 100 मीटर अंदर। मंदिर तो ये रहा पीछे। GoPro की बैटरी बहुत तेज डाउन हो रही है। हाँ भैया मंदिर के पास आ गए। भाई कहाँ पे हो तुम? मंदिर से जस्ट आ गए। हाँ थोड़ा सा आगे मंदिर के जस्ट आगे हूँ। नहीं यही रास्ता। ये लीजिए इसको लगाइए रिटर्न में, देख लीजिए। इसी का रिटर्न डाला था, बहुत ज़्यादा लूज है। ठीक है अभी देख ले, अभी स्क्रेच नहीं हुई ना अभी, मैं चेक करके बना दूँगा। पक्का? आप ही देख लो बगल में ऑफिस है। नहीं नहीं बना दो तो मेरे सामने सही रहेगा ना, फिर बाद में। अभी तो क्रिएट ही नहीं हुई, अभी तो लोड ही लग रहा है, आओ दिखा दे आपको। मैंने दे तो दिया है, बोले हैं कि कुछ टाइम बाद उसका मैसेज आ जाएगा कि मैंने लगा दिया, रिटर्न पिकअप हो गया है। देखते हैं भाई, भरोसे पे छोड़े हैं क्योंकि अभी वो आते फिर मैं रहता नहीं, कल भी आए थे तो मैं बाहर था। यहाँ से दिखा रहा है 18 किलोमीटर, पेट्रोल पंप पता नहीं कहाँ है, लास्ट बार दिखा रहा है। GoPro की बैटरी बहुत तेज़ डाउन हो रही है, पता नहीं क्यों, इतना जल्दी नहीं डाउन होती है। 50 पे था, 30 पे आ गया इतना जल्दी, अभी तो 10-15 मिनट की वीडियो बनी होगी। जाम जाम जाम। ये है तेलीबाग चौराहा, यहाँ से भी है 18 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये तेलीबाग हो जाता है ख़त्म और यहाँ से स्टार्ट होता है कैंट एरिया। गजब की हरियाली यार, यहाँ पे टेम्परेचर तो भाई गर्मी में ठंडी लगती है। यहाँ पे सिंगल लेन रोड है, ये लंबा जाम है भाई साहब, पूरा ब्रिज पे जाम है, पूरा लाल एकदम लगेगा यहाँ पे कम से कम आधा घंटा। फाइनली इतने जाम क्रॉस करने के बाद मिला रोड। ये कैसा मौसम है भाई, एक तरफ धूप एक तरफ एकदम कोहरा। 7 किलोमीटर और अभी हम लोग हैं गोमती पुल पे, रिवर फ्रंट। ये रिवर फ्रंट का ऊपर का नज़ारा, फाइनली बहुत मशक्क़त करने के बाद
थैंक्स टू गूगल मैप्स कि भैया पहुंचा दिया इन्होंने, और यहीं पास में है। कहां गया ये है क्या? नहीं सही रहा। ये वहाँ तो गए सर्विस के अंदर, गाड़ी भी आ गई अपने से। उसमें था भैया देखो जरा, फ्री था, पेड हो चुका है, और ये हुआ था 17,000। MH 1386। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए यहाँ का AMC। यहाँ का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए AMC यहाँ का। तीन सर्विस फ्री हो जाएंगी, पार्ट्स 5% डिस्काउंट, अदर लेबर में 10% है। मेरे पास ऑलरेडी लाइए तो बुक लाइए, वो नहीं वाली AMC बुक लाइए, वो नहीं लाए भाई। स्टिकर पे थोड़ा आराम से भाई, चलिए स्टिकर पे थोड़ा आराम से मारेगा। ए आराम से मारो, स्टिकर पे ना मारना, स्टिकर पे थोड़ा आराम से। कैमरा लेके आ गया बल्लू हमसे, इसकी भी गाड़ी आ गई है, ये भी सेरेमिक होगी, इसका हम लोग साथ ही में कराए थे। तो कैसा रहा है एक्सपीरियंस बताइए अपना, 6 महीने का? बेकार घटिया एकदम, सेरेमिक नहीं कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए बिल्कुल नहीं, बेकार पैसे की बर्बादी है। 3,500 रुपए में कोई मतलब नहीं, इसे अच्छा लेमिनेट कराओ। नहीं लेमिनेशन ज़्यादा सही, तो फ्री था तो करवा ले रहे हम लोग। तो जल्दी बोलो भूलने के लिए सर, लिखा दो ना, नोट किया कि नहीं यार, मेरे को जाना है यार। जो वो बनाओ अपने जो पार्ट एकदम कंप्लीट सर्विस हो गई। फाइनली व्हील कराते हैं, निकलते हैं। 2 बजे आए थे, 5 बज गया। बल्लू जा रहे हैं ऑफिस, ये आएंगे अभी शाम को ऑफिस कंप्लीट करने बाद। आते आते नया जैकेट भी खरीद लिया है, एकदम भौकाली लग रहा है। चलो बाय, एकदम चमक गई गाड़ी। ये के पास में ये पेट्रोल पंप, और एकदम एंड पे आ गए हैं, तो बस निकल लिए यहाँ से, फ्यूल डलाते हैं फिर बढ़ते हैं घर की तरफ। यहाँ चल रहा है मेट्रो का काम, तो रोड का हालत एकदम है ख़राब, और यहाँ से अभी दिखा रहा 24 किलोमीटर अपना घर। ये पॉलीटेक्निक तक ऐसे ही रहेगा आई थिंक, उसके बाद मिल जाएगा बढ़िया रास्ता। तो पानी पता नहीं कहाँ से आ गया इतना, अभी धुल के आ रही है बाइक, पूरा एकदम ख़राब हो जाएगा। तो भैया सर्विस हो गई, सिरेमिक भी हो गया, और अब यहाँ पे नहीं आना है, ये आखिरी सर्विस थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की सर्विस मुझे पसंद नहीं आती है, पता नहीं क्यों, पिछली बार भी नहीं आई थी और इस बार भी नहीं आई है। तो अगर आप लखनऊ में हैं और सर्विस के लिए आना चाहते हैं यामाहा की, तो इसको अवॉइड करें। पता नहीं कौन कौन से चार्ज लगा दिए हैं, ये नहीं है वो नहीं है, बेमतलब का पैसा। 2,000 का सर्विस हो गया, पिछली बार भी लगभग इतना ही लगा था। तो ये हम लोग फाइनली पहुंच रहे हैं पॉलिटेक्निक, बहुत जाम है भाई, बहुत जाम, मतलब
क्या बोला जाए, यहाँ नहीं है बहुत अच्छी बात, नहीं तो यहाँ तो भाई चलने के भर का जगह नहीं रहता। चलिए पहुँचते हैं घर, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको वैष्णो देवी वाले ब्लॉग में जो कि कल शूट होगा। कल हम लोग निकलेंगे लखनऊ से दिल्ली के लिए, डायरेक्ट ट्रेन नहीं है इसलिए हम लोग लखनऊ से दिल्ली, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।